ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में E2 का एरर आ रहा है, तो ये हम चेक कर रहे हैं। इसको स्पिन करेंगे। E2 का एरर डोर स्विच की वजह से आता है अक्सर। अगर चलते हुए हम दरवाज़ा भी खोलते तो तब भी E2 का एरर आता है। तो यहाँ तो डोर स्विच की पट्टी आपस में नहीं मिल रही होगी, या कोई वायर वगैरह ब्रोक वगैरह हुई होती तो उस वजह से ये मसला। ये हम इसको खोल रहे हैं, इसको खोल के देखते हैं इसकी बैक साइड से डोर स्विच को। डोर स्विच की वायर कटी हुई लग रही है, ये देखें ये वायर। हाँ ये वायर खाई हुई है, चूहे ने खाई हुई है। देखिए एक को लगा हुआ है, दूसरी बिल्कुल ही ख़त्म की हुई है, उसने बिल्कुल काट दी आपस में। तो इसको हम जॉइंट लगा लेते हैं, इसको जॉइंट लगाएंगे और चलाएंगे तो ये ओके हो जाएगी। E2 का एरर ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर से। देखें हमने इसको स्टार्ट किया है, अभी देखते हैं चेक करते हैं क्या कर रहा है। ड्रेन करना शुरू कर दिया इसने अभी, अभी तक E2 नहीं आ रहा। जैसे वॉश पे चलेगी, हाँ ओके हो गई वॉशिंग मशीन। देखें E2 का एरर नहीं आ रहा अभी इसके अंदर। सही है, ये मोटर स्टार्ट हो गई है, मोटर चलना शुरू हो गई। देखें तो डोर स्विच की वजह से आता है E2 का, जब भी एरर आता है डोर स्विच की वजह से आता है ये।